हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अस्तर वाले ब्लाउज की 4 टक्स कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेन फैब्रिक है और ये इसका अस्तर है। पहले हम इसकी अस्तर कटिंग करेंगे। अस्तर को मैंने धो के प्रेस कर ली है इस तरह से। हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। बंद वाला हिस्सा हमारी तरफ रहेगा। सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। लेंथ है 14 इंच, 14 में 1 इंच हम प्लस करके लेंगे। चेस्ट है 38 इंच, बेस्ट है 32, शोल्डर है 5 इंच, आर्म होल है 5.5 इंच, नेक विड्थ है 5 इंच, फ्रंट नेक है 6.5 इंच और बैक नेक है 10 इंच। सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। लंबाई है हमारा 14 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे। हाफ इंच नीचे सिलाई में जाएगा और हाफ इंच ऊपर जाएगा, इसलिए हम 15 इंच पे मार्क कर लेंगे। आर्म होल लेंथ है 5.5 इंच, तो इस पे एक निशान लगा देंगे। उसी तरह से हम इधर भी निशान लगा के एक लाइन बना लेंगे। शोल्डर है 5 इंच, इसे भी हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर भी 5 इंच लेते हुए हम इस निशान को मिला लेते हैं। चेस्ट है 38 इंच, 38 का फोर्थ भाग हो गया 9.5 इंच और वेस्ट है 32 इंच, 32 का फोर्थ पार्ट हो गया 8 इंच प्लस 1 इंच टक्स के लिए, 1.5 इंच मार्जिन और 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं इस निशान को। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे गोलाई देनी होती है बैक आर्म होल के लिए और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पे देना है। अब इसे हम निशान को मिला लेते हैं इस तरह से। नेक बीट है 5 इंच, 5 का हाफ हो गया 2.5 इंच, आर्म होल लेंथ है 5.5 इंच, तो यहाँ से हाफ इंच सिलाई मार्जिन हो गया। पहले हम आर्म होल लेंथ को चेक कर लेंगे कि हमारा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। ये देखिए परफेक्ट आ रहा है 8 इंच, और अगर कम आ रहा है तो आप इसे इस तरह से बढ़ा सकते हैं, या तो इस लंबाई को, ये जो आर्म होल लेंथ की लंबाई है उसे हम बढ़ा भी सकते हैं। अब हम इसे कट कर देते हैं। ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। अब ये हमारा सिलाई मार्जिन है, यहाँ पे हम कट लगा देंगे इस तरह से, इधर भी लगा देंगे। फ्रंट पार्ट के कटिंग करने के लिए पहले हम इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेते हैं। फेस के ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। यहाँ से भी हमें 1/2 इंच आई हुक की पट्टी के लिए निशान लगा लेना है। इस निशान से हमें इस बैक के पार्ट को सेट करना है इस तरह से। यहाँ पे हम सेट करेंगे। बैक के पार्ट से 1/2 इंच इधर आगे की तरफ हमारा कपड़ा ज्यादा होता है इस तरफ से, और 1/2 इंच इधर से भी ज्यादा होता है, 1/2 इंच नीचे से भी ज्यादा होता है। तो नीचे की तरफ से तो कपड़ा है नहीं, तो इसे हमें साइड से कट करके ऐड कर लेना है। अभी हमें इसी हिसाब से निशान लगा लेना है ये सीधे सीधे में। ये हमारा नेक विड्थ है, ये आर्म होल है, इसी तरह से निशान लगा लेंगे। ये हमारा 1/2 इंच टक्स के लिए है और 1/2 इंच नीचे में भी, और यहाँ से 1/2 इंच आई हुक की पट्टी के लिए इस तरह से। तो ये मैंने निशान लगाई थी फ्रंट आर्म होल के लिए,
इस तरह से। तो आप इसके पीछे एक निशान लगा लें इस तरह से, और फिर इसे हार्मोन शेपर से इस तो ये हमारी फ्रंट की गोलाई हो गई। देखिए ये जो निशान है इसी के सीधे में एकदम निशान बन गई है, देखिए इस तरह से। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट नेक है 6.5 इंच, इसके हम निशान लगा लेंगे। ये हमारा नेक विड्थ का निशान है। यहाँ से हम 3 इंच ले लेते हैं, इसका एक बॉक्स बना लेंगे। और फिर इसे राउंड शेप दे देंगे फ्रंट में। इसे कट कर देते हैं। ये दोनों फ्रंट पार्ट ज्वाइंट है, इसे अलग कर देंगे। हाफ इंच लाइन मार्जिन छोड़ते हुए 9.5 इंच पे हमें एक निशान लगा लेना है। यहाँ से 2.5 इंच पे हमें एक निशान लगा लेनी है। इससे इस निशान से हमें 1.5 इंच तिरछी करते हुए एक निशान लगानी है। यह हो गया हमारा सेकंड टक्स। यहाँ से आप 3.5 इंच हमारा हो गया सेकेंड टक्स, दूसरा टक्स हो गया, ये एक टक्स हो गया और ये दूसरा टक्स हो गया। यहाँ से हमें इस तरह से तिरछे में रखते हुए 2 इंच पे एक निशान लगा लेना है। फिर हमें इसे तिरछे में मिला लेना है इस तरह से। यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है तिरछे में, और फिर इसे आर्मोल से मिला देना है। ये हमारा फोर टक्स तैयार हो गया। और इस तरह से हमें कैंची से इस तरह से ऐसे कर देना है, इससे इसका निशान पीछे भी लग जाता है। देखिए इस तरह से हमें इसके पीछे ही पता चल जाएगा कि हमारा टक्स कहाँ है। ये हमारा चारों टक्स लग के तैयार हो गया है। बेस्ट है हमारा 32 इंच, उसका फोर्थ पार्ट हो गया 8 इंच, 8 का हाफ हो गया 4, तो 4 इंच पे हम बैक का टक्स निशान लगा लेंगे। यहाँ से 4 इंच ले लेंगे, तो ये हमारा बैक का टक्स का निशान हो गया। पीछे भी दिख रहा है, इसी तरह से आप बैक में भी लगा सकते हैं। बैक नेक की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, बैक में मुझे डिजाइन बनानी है, तो इसकी कटिंग मैं प्रेस्टीज बकरम पे ही करूंगी। अब हम इसकी मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। तो ये इसका मेन फैब्रिक है। पहले हम बॉर्डर को कट करके हटा लेते हैं, इसकी हमें डिजाइन बनानी है। तो हमें देखते हुए काटना है, इसमें हमें स्लिप्स भी निकालनी है। इस तरह से हम इसकी सेटिंग करते हुए ये हमारा फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसको स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। आपको मेरा यह कटिंग करने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक
वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।